शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। श्रद्धा, श्रद्धा यहाँ कैसे आ सकती है? वो तो मर चुकी थी ना, मैंने देखा था। अरे मैं डॉक्टर हूँ, मैंने चेक किया था, लेकिन लेकिन मैं ये वो ये कैसे हो सकता है? वो बाहर दरवाजा तो बंद है, खिड़की भी बंद है, तुम अंदर कैसे आए? तुम ये सब कैसे कर रहे हो? मैंने तुम्हें अपने अपने हाथों से उस बक्से में बंद किया था और उस बक्से को जमीन के अंदर गाड़ा था, बाहर कैसे निकली? तुम्ही ने तो मुझे देवी बनाया था ना, और चमत्कार देवी ही करती है। ये जो चमत्कार है ना, ये सब बकवास मेरे सामने मत करना, समझी? मैं सब जानती हूँ कि तुम यहाँ मेरा भांडा खूनने आई हो, और अगर तुमने किसी को भी मेरे बारे में बताया ना, तो तुम्हें ही नहीं, मैं सबको जला डालूंगी, समझी? उसकी कोई आवश्यकता नहीं होगी, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, परंतु सच सबके सामने आएगा, और ये सच सबको तुम स्वयं बताओगी, और इस सच के साथ तुम अपने पापों का प्रायश्चित भी करोगी, और इसका आरंभ हम कल सुबह करेंगे। सुबह हो गई तेरी? कल से बेहोश पड़ा था तू। कल रात वो श्रद्धा थी, तो फिर वो तेज रोशनी उसकी तरफ से, वो सब क्या था? ये हो क्या रहा है? ये लेप उसके माथे पर लगा देना, फिर सब ठीक हो जाएगा। तू ठीक है ना? क्योंकि श्रद्धा बिल्कुल ठीक है, वो कल रात को ही घर वापस आ गई। पर तू ऐसे अचानक बेहोश कैसे हो गया? मुझे खुद नहीं पता भाई, मुझे क्या हो गया था। मैंने श्रद्धा को देखा और ऐसा लगा जैसे वो मेरी श्रद्धा नहीं है। तेरी आंखों के सामने श्रद्धा है, तेरी श्रद्धा। भाई तुझे कैसे समझाऊं? मैं अपनी श्रद्धा को अच्छे से पहचानता हूँ, और जो कल आई है उसका चेहरा तो श्रद्धा का है, पर वो तेज उसके चेहरे पर, उसकी आंखों में, मैं उसे नजरें भी नहीं मिला पाया। वो ऐसी थी जैसे कोई, जैसे जैसे कोई देवी हो। अबे तू पागल हो गया क्या? ये देवी देवता का नाटक इतना लंबा खिंच गया कि तू सच में अपनी पत्नी को देवी समझने लगा है? भाई सच बताऊं तो मुझे नहीं पता, पर मैं इतना जानता हूं कि मुझे मेरी श्रद्धा को अभी भी ढूंढना है, पर अगर वो यहां नहीं है तो फिर वो है कहां पर? We'll be right back.
श्रद्धा की जय। देवी श्रद्धा की जय। देवी श्रद्धा की जय। आशीर्वाद लेना है तो पूर्ण रूप से झुककर पूरे मन से आशीर्वाद लो। भक्ति ही तो है जो पूरे मन से की जाती है। मुझे आप सबसे एक आवश्यक बात करनी थी। देवी श्रद्धा, आप जो भी कहेंगी हम वो करने को तैयार हैं। मैं आप सबकी भक्ति से अधिक प्रसन्न हुई हूँ। आप सबने अपनी भक्ति सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ी है, परंतु एक भक्त है जिसकी सेवा से मैं अधिक प्रसन्न हुई हूँ और मैं उसे अवसर देना चाहती हूँ मेरी सेवा करने का, और वो भक्त है रोशनी। रोशनी अपना हर पल, हर समय, हर दिन मेरी सेवा में व्यतीत करेगी। मेरे नाम का जो भी भोग बनेगा वो रोशनी स्वयं अपने हाथों से बनाएगी। यहाँ तक कि मेरे आरती से पूर्व केवल मेरे मंदिर को ही नहीं अपितु पूरे घर को रोशनी स्वयं अपने हाथों से स्वच्छ करेगी। माफ कीजिए देवी श्रद्धा, लेकिन हमसे कोई भूल हो गई है क्या? क्या आपकी सेवा में हमसे कोई कमी रह गई? हाँ देवी श्रद्धा, आपकी सेवा करने का अवसर हमसे मत छीनिए। मैं आप सबसे आपकी सेवा भक्ति का अधिकार छीन नहीं रही हूँ, अपितु मैं सेवा का कार्य केवल बांट रही हूँ। रोशनी को भी तो अवसर मिले कि वो अपनी भूल एवं अपने पाप का प्रायश्चित करे। अब आप सब जा सकती हैं। देवी श्रद्धा की जय। किस्मत से टकराती उलझी लकीरों को सुलझाती श्रद्धा की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।